please click the bell, like and subscribe. हाय दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे एक कार डोर प्रोजेक्टर लैंप। ये बैटमैन का लैंप है। हम आपको दिखाएंगे कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। एक्चुअली हमने ये चार लैंप खरीदे हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। ऐसे आए हैं, अमेजोन से हमने खरीदे हैं। डेफिनेटली मेक इन चाइना होगा। तो एक को ओपन करके देखते हैं और फिर हम इसको दिखाएंगे कैसे डोर में गाड़ी का जो डोर है उसमें कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसको निकालते हैं। ये देखिए, ये लैंप है, ये मैग्नेट है, ये सेंसिंग के लिए काम करेगा। एग्जैक्टली तो ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये जो लैंप है, ये लैंप, ये देखिए ऐसे, हाँ ऐसे इसको हम डोर में लगाएंगे, जो कार का डोर है लगाएंगे। और इसमें बैटरी डालना पड़ेगा। पहले 3 बैटरी चाहिए, हमारे पास बैटरी है, हम डाल देते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ डिफिकल्टीज है ही नहीं। इसको आप डाल के लॉक कर दीजिए। और ये जो स्विच है, ऑफ ऑन स्विच है, आप अगर नहीं चाहोगे कि आपका ये लैंप जले जब दरवाज़ा खोलेंगे, तब इसको आप ऑफ करके भी रख सकते हैं। देखिए, हम बैटरी इंस्टॉल कर दिए हैं अभी। ये देखिए, ये ऐसे ही, हाँ लोगो है, ऐसे ही लोगो आएगा जब आप दरवाज़ा खोलेंगे, ऐसे ही लोगो आएगा। ये जो स्विच है, इस स्विच को अगर आप ऑफ कर देंगे तो कभी भी ये काम नहीं करेगा, इसको ऑन करके रखना पड़ेगा। और ये देखिए, ये है मैग्नेट, ये मैग्नेट अगर हम इधर लेके आएंगे बंद हो जाएगा। मैग्नेट हटाएंगे तो जलेंगे, मैग्नेट डालेंगे तो बंद हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे सेंसर लिखा है, ये एक्चुअली सेंसिंग के लिए है, मैग्नेट सेंसिंग के लिए है। तो जनरली जलेगा जब दरवाज़ा खोलेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो बंद हो जाएगा, फिर हटाएंगे तो जलेंगे, ठीक है ना। तो ये हम कार में लगा के हम इसको देखते हैं, और कैसे लगाना होता है वो भी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, और देखेंगे कैसे काम करते भी है। हम लोग इसको ऐसे जगह पे लगाएंगे सो दैट इसका रिफ्लेक्ट ऐसे होगा। तो यहाँ पर हम पहले इंस्टॉल करेंगे इसको, और इधर हम उसका जो सेंसर है, जो मैग्नेट है, वो हम लगाएंगे। चलिए हम पहले इसको लगाते हैं। हमें इसको ऐसे इंस्टॉल करना है, तो ये डबल साइडेड टेप है, इसको ऐसे यहाँ पर पहले चिपकाना पड़ेगा सो दैट ये यहाँ पर चिपक जाए। तो फिर इसको हम निकाल देते हैं। अभी देखिए, ये चिपक जाएगा, इसको चिपकते हैं बढ़िया से। चिपक गया अच्छे से। अभी ऐसा आएगा जब हम दरवाज़ा खोलेंगे, जब हम दरवाज़ा खोलेंगे देखिए कितना बढ़िया से लग रहा है। तो जस्ट ऐसा ही आएगा, रात में ये और भी बढ़िया लगेगा। हम ऐसे ही चारों दरवाज़ा में लगाएंगे, और इसको बढ़िया से जो नज़ारा है वो जब भी दरवाज़ा खोलेंगे ऐसे ही होगा। तो ये आप देख सकते हो, जो लाइट है वो हम इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी सेंसर को इंस्टॉल करेंगे, उस सेंसर कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको दिखा देते हैं। अभी हमको ये जो सेंसर है, ये सेंसर हमको करीब करीब इसी जगह पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब दरवाज़ा हम लगा रहे हैं तो ये जो आपका लाइट है, इसका जो सेंसर है वो इसी जगह पे आ रहा है, तो हमको ये सेंसर इसी जगह पे लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, दो साइडेड टेप है। इस दो साइडेड टेप को ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट में चिपक देना है, और फिर चिपक के यहाँ पर डाल देना है। तो वो हम करते हैं। काफ़ी आसान है, जस्ट इसको निकालो सेम वे, मैग्नेट चिपक गया।
देखिए बहुत ही आसान है, आपको ना कोई ड्रिल करना है, ना कोई वायरिंग का कोई चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है। अभी देखिए ये हम सेंसर भी इंस्टॉल कर लिए हैं और लाइट भी इंस्टॉल कर लिए हैं। अभी हम दरवाज़ा खोले हैं तो ये देखिए सिग्नल, हाँ ये जो बैट का जो बैटमैन का एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी दरवाज़ा बंद करते हैं, बंद कीजिए। देखो दरवाज़ा बंद करने से ये बंद हो जाते हैं, फिर खुलने से ही ये ऑन होता है। तो मैं अंधेरे में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि जब भी दरवाज़ा बंद होता है बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया, फिर इसको जब खोलते हैं तभी ऑन होता है, क्योंकि जो सेंसर है इस सेंसर उसमें काम करता है। तो इस सेंसर जब भी इसको सेंस करता है, वो लाइट का जो सेंसर जब भी इस मैग्नेट को सेंस करते हैं तभी वो बंद हो जाता है और फिर खोलने से ही। और एक बार दिखा देते हैं, बंद हो गया, फिर ओपन कीजिए, ऑन हो गया। तो ऐसे ही हम बाकी चार जो दरवाजे हैं इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। तो इट्स रियली अ वेरी वेरी नाइस एंड कूल गैजेट विच यू कैन इंस्टॉल इन योर कार डोर फॉर हैविंग फन फॉर योर किड्स एंड इंक्रीजिंग द ब्यूटी ऑफ योर कार ऑल्सो। सो टुडे आई थिंक दिस इज ऑल। I think you have enjoyed our video. So if you like this video, kindly subscribe our channel. And if you want to buy this product, I have already given the buying link in the description. You can click on the description and you can click the buying link and you can buy it. It's very really nice product. So that's all for today's video. Bye.